वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, गार्जियंस एंड ऑल माय बिलव फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कॉमर्स कैंपस और सिविल आर्ट्स एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा संस्थान अब आरके कॉम्प्लेक्स मलाही पकड़ी मोड़ पे आ चुका है, और जैसा कि आप लोगों का विश्वास और आशीर्वाद ने हमारे साथ और हमारे टीम के साथ बना हुआ था, हमारा संस्थान कॉमर्स कैंपस और सिविल आर्ट्स एकेडमी क्लास 11th और 12th के बच्चों को कॉमर्स सेक्टर और आर्ट्स के सेक्टर में काफ़ी अच्छा पढ़ाई देने के लिए जानी जाती है। और अगर हम लोग अपने फैकल्टी सेट की बात करें तो हमारे यहाँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के साथ साथ इंग्लिश के लिए भी हम लोग फैकल्टीज हमारे पास हमारे संस्थान में हैं, जो कि बच्चों को CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE तीनों बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा अपार हर्ष के साथ, कि हमारे ही संस्थान सिविल आर्ट्स एकेडमी की एक बच्ची मोनिका झा, जिसका नाम है, उसने हिंदुस्तान ओलंपियाड 2022 में पूरे बिहार में अव्वल स्थान दर्ज किया है, जिसके लिए हिंदुस्तान ने उसको प्रोत्साहित राशि भी प्रदान किया है। तो ये बिहार के लिए, पटना के लिए, हमारे सभी लोगों, हमारे सारे संस्थान के टीम के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं फिलहाल बात करूं तो हमारे यहाँ 12वीं यानी क्लास 12 का कॉमर्स आर्ट्स दोनों बैचेस चल रहा है। इसमें हम CBSE, बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों को अलग अलग करके, एक्स्ट्रा फोकस करके हम उनको तैयारी करवाते हैं। अभी हमारे क्लास 11 का बैचेस जो है वो ऑन गोइंग है, आप आ सकते हैं और क्लास करके देख सकते हैं। आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी सेट हैं वो आपको 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे, जो बच्चों के साथ घुल मिल करके पढ़ाई कराते हैं और बच्चों को काफ़ी आनंद भी आता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ बच्चों को पढ़ाया गया क्लासरूम में, तो ऐसा होता है आमतौर पे कि कुछ डाउट रह गया जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या बच्चों के बैठने से या भीड़ में वो नहीं पूछ पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने डाउट सेशन भी अरेंज किया है कि बच्चे टीचर से आकर के सेपरेटली डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अलग अलग पब्लिकेशन की किताबों से वो आकर के पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 टॉपिक पढ़ाने के बाद वीकली टेस्ट भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, कि बच्चे हर संडे को टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट में वो अपनी प्रगति को, प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों का भविष्य और वर्तमान दोनों बेहतर हो, इसके लिए हम, हमारा संस्थान, हमारे फैकल्टी टीम, ये सारे लोग प्रतिबद्ध हैं। अगर क्लासरूम के स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे यहाँ तकरीबन 70 से 80 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, एक बड़ा क्लासरूम हॉल है हमारा। इसके अलावा 2 और क्लासरूम हैं जहाँ हम 25 से 30 बच्चे के कैपेसिटी का क्लासरूम चलाते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एयर कंडीशन का व्यवस्था किया है, जहाँ बच्चे आकर के एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल भी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए, वो आकर के एक बेहतर भविष्य का निर्माण इस संस्था से कर सकते हैं और हमें अपना योगदान देने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Isha Kumare and I study in standard 12. मैं यहाँ पे सिविल आर्ट्स एकेडमी में क्लास 11 से पढ़ रही। यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आपको सपोर्ट करने के, मेरे को सपोर्ट मिला बहुत। सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर होते हैं, एकेडमिक ईयर के पहले ही सारे सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे दिए जाते हैं, जिससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और स्टडी में बहुत सारे जो प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए स्पेशल क्लास भी दिए जाते हैं, और फिर टीचर्स का बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता है। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं 11th क्लास में एडमिशन कराया था और यहाँ मेरा एक साल हो गया 11th क्लास का, और मैं अभी 12th क्लास में हूँ। जैसा कि यहाँ का फैसिलिटी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही है, यहाँ का टीचर लोग भी अलग अलग हैं, हर सब्जेक्ट का यहाँ अलग अलग टीचर मिलेंगे आपको। और अगर आपको कुछ में दिक्कत है तो आपको एक नहीं दो, मतलब जितना आप पूछ सकते हैं
यहाँ हर तरह से आपको सुविधा है। और यहाँ का टीचर जो मेन मेन टीचर हैं, जो इंग्लिश हिंदी आईएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड सबका यहाँ सही एजुकेशन दिया जाता है।